हाय एवरीवन, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो है मैकेनिज्म वाला पोर्शन हम लोग कर रहे थे। इसमें से इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स को हमने पूरी तरह से किया था और फिर एरोमेटिसिटी को भी जो है हम लोग डील कर चुके थे। अब जो है इसमें लेक्चर नंबर 16, मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस, मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस। अब जो यह लेक्चर है, लेक्चर नंबर 16, इसमें हम लोग स्टार्ट करेंगे एरो नोटेशंस इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। एरो नोटेशंस इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, बहुत सारे अलग अलग तरह के एरो का इस्तेमाल किया जाता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ते वक्त। कौन से एरो का क्या मतलब है इसको हम लोग देखेंगे। नंबर वन, रिएक्शन एरो। तो रिएक्शन एरो सिंपली इस तरह से रहेगा, रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट, कि कोई भी केमिकल रिएक्शन है इसमें रिएक्टेंट बदल रहा है प्रोडक्ट में, तो उसके लिए ऐसा एरो दिया जाता है। इसका जो हेड है प्रोडक्ट की तरफ होता है और जो टेल है वह रिएक्टेंट की तरफ होता है। तो यदि ऐसा एक सिंपल सा एरो है तो इसे हम रिएक्शन एरो कहेंगे, जो हमेशा रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट होगा ऐसा। नंबर टू, डबल, या इसी रिएक्शन एरो को हम लोग सिंगल हेडेड एरो भी कह सकते हैं, एक हेड है। फिर होता है डबल हेडेड एरो, दो हेड होंगे इस तरह का। तो इस एरो का इस्तेमाल बेसिकली किया जाता है, यूज्ड टू सेपरेट टू रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को सेपरेट करने के लिए इस तरह के एरो का इस्तेमाल करते हैं। जैसे रेजोनेंस तो पीछे हम लोग पढ़ ही चुके हैं कि इस तरह का कोई सिस्टम है, फिर इसका दूसरा बनाओगे स्ट्रक्चर तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा ऐसे। तो यह जो बीच में एरो है या रेजोनेंस एरो है, डबल हेडेड एरो है, जो बता रहा है कि यह सिस्टम यदि इसमें कन्वर्ट हो रहा है तो ये सिस्टम वापस इसमें कन्वर्ट हो सकता है। कैसे बदला है? देखो क्या करोगे, इसको यहाँ कर दोगे, इसको यहाँ कर दोगे, यहाँ तो ये बन जाएगा। इसको वापस फिर इसमें बदल ही सकते हो, इसको यहाँ कर दो, यहाँ कर दो, या अगेन यहाँ कर दो, तो बन जाएगा यही ऐसा। तो यह जो डबल हेडेड एरो है बेसिकली यह रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स को सेपरेट करने के लिए यूज किया जाता है, जो बताता है कि ये जो दो स्ट्रक्चर से एक दूसरे में इंटरकन्वर्टिबल है, एक दूसरे में बदले जा सकते हैं, डबल हेडेड एरो। नेक्स्ट नंबर थ्री, इक्विलिब्रियम एरो। इक्विलिब्रियम एरो, या इसी को हम लोग रिवर्सिबल एरो भी कहते हैं, रिवर्सिबल एरो ऐसा। इसी को ऐसे पूरा भी लोग लिखता है, लेकिन ये ज़्यादा एक्यूरेट नहीं, दिस वन इज मोर एक्यूरेट। तो ये भी बड़ा आसान सा चीज़ है कि जैसे ए और बी दो सिस्टम है इसमें, और दोनों एक दूसरे में बदल सकता है, तो एक दूसरे में बदल सकता है कहने का मतलब कि जैसे यहाँ ये जो दोनों सिस्टम थे नॉट रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, इसमें से हम किसी एक को रिएक्टेंट या प्रोडक्ट नहीं कहेंगे, सिंपली मॉलिक्यूल है जो स्ट्रक्चरल बेसिस के आधार पर एक दूसरे में बदलेंगे, स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट के आधार पर एक दूसरे में बदलेंगे। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, ए बी में बदल रहा है तो ये यहाँ अलग चीज़ है, बी अलग चीज़ है, यहाँ इन दोनों को बदले तो दोनों तो एक ही ना है, बेंजीन ई बी है, बेंजीन ई बी है। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, ए को बी में बदलोगे तो यहाँ बी अलग चीज़ है, बी ए में आएगा तो ये फिर अलग चीज़ है,
तो इसका मतलब हुआ कि ए बी में कन्वर्ट हो रहा है तो बी ए में भी कन्वर्ट होगा। तो ए जब बी में कन्वर्ट हो रहा है तो इस प्रोसेस को हम लोग फॉरवर्ड प्रोसेस कहते हैं, और बी जब वापस ए में आएगा तो इस प्रोसेस को हम लोग बैकवर्ड प्रोसेस कहते हैं, फॉरवर्ड रिएक्शन बैकवर्ड रिएक्शन। अब इसमें से कई पॉइंट्स जो है नोट करने लायक हैं। देखो तीन तरह का बात हम लिख रहे हैं, एक ऐसा। इन एरोज का मतलब समझोगे, हैं तीनों रिवर्सिबल एरो, इक्विलिब्रियम एरो, लेकिन एरो का साइज बड़ा छोटा करके दिखाया गया है, इसका क्या मतलब होगा? तो यहाँ देखो ये दोनों एरो इक्वल साइज के हैं, इसका मतलब हुआ कि ए का जितना पॉसिबिलिटी है बी में बदलने का उतना ही पॉसिबिलिटी बी का है ए में बदलने का। मतलब यहाँ रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन एग्जैक्टली बराबर होगा रेट ऑफ बैकवर्ड का, कि ए का बी में बदलने का जितना पॉसिबिलिटी है उतना ही बी का ए में बदलने का पॉसिबिलिटी है, इक्वल। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, ए से बी के तरफ जो एरो जा रहा है छोटा है, इसका मतलब कि ए का बी के बदलने में थोड़ा सा चांस है, लेकिन बी का ए में बदलना बड़ा आसान है, बड़ा जल्दी होगा। एरो पे डिपेंड करता है, छोटा सा एरो है मतलब ए बी में धीरे धीरे बदलेगा, बी जो है ए में तेज़ी से बदलेगा। अब कौन किस में धीरे बदलेगा तेज़ी से बदलेगा, कौन सा रेट अधिक होगा फॉरवर्ड का बैकवर्ड का, ये बहुत सारे कंडीशंस पे डिपेंड करता है, बेसिकली प्रोडक्ट के स्टेबिलिटी पे। अब यहाँ ए और बी यदि इक्वली स्टेबल है तो फिर ये जितना रहेगा उतना ही बी ही रहेगा, लेकिन यहाँ इस केस में ए ज़्यादा स्टेबल है बी से, तो ए ज़्यादा स्टेबल है बी से, तो वह सिस्टम ए के फॉर्म में ही रहना चाहेगा, बी के फॉर्म में नहीं जाना चाहेगा। इसलिए ए से बी में बदलने का जो एरो है देख रहे हो बड़ा छोटा दिया हुआ है, मतलब कि इसमें रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन से ज़्यादा होगा रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, पीछे की तरफ रिएक्शन ज़्यादा आएगा। बहुत सारी कंडीशन पर डिपेंड करता है सब। यहाँ ए से बी में बदलने का जो एरो है बड़ा है, बी से बी का ए में आने का जो एरो है वो छोटा है, तो इसका मतलब हो गया कि इस बार रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन ज़्यादा होगा रेट ऑफ बैकवर्ड का। तो ये तीनों रिवर्सिबल रिएक्शन है, तीनों इक्विलिब्रियम एरो है, लेकिन अंतर होगा इस तरह का, यदि कहीं एरो दिया हुआ है तो समझ जाओगे इसका मतलब कि दोनों बराबर साइज का है, मतलब ए और बी एक दूसरे में इंटरकन्वर्टिबल हैं इक्वल एज में, कि ए का जितना चांस है बी में बदलने का उतना ही चांस बी का ए में, क्योंकि ए और बी का स्टेबिलिटी एक जैसा है। लेकिन यदि स्टेबिलिटी दोनों का अलग अलग हो तो फिर जो ज़्यादा स्टेबल होगा रिएक्शन उस तरफ ज़्यादा जाएगा। यहाँ यदि ए ज़्यादा स्टेबल है तो ए के तरफ ज़्यादा आएगा, बी की तरफ कम जाएगा। यहाँ बी ज़्यादा स्टेबल है तो बी की तरफ ज़्यादा जाएगा, ए की तरफ कम आएगा, ऐसे। तो इन एरो पे जो है ध्यान देना है काफ़ी सीरियसली, क्योंकि पढ़ोगे चैप्टर तो वहाँ फिर इस सबका मतलब नहीं बताया जाएगा ना, इसलिए थोड़ा ध्यान देना है इन एरो को। तो तीन तरह का एरो हम लोग देखे अभी, रिएक्शन एरो, डबल हेडेड एरो, इक्विलिब्रियम एरो। इक्विलिब्रियम एरो में फिर तीन वैरायटी, कि रेट ऑफ फॉरवर्ड बराबर हो रेट ऑफ बैकवर्ड का, रेट ऑफ फॉरवर्ड कम हो बैकवर्ड से, और फिर रेट ऑफ फॉरवर्ड ज़्यादा हो रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन से। ठीक, चलो अब आगे देखो, नेक्स्ट फोर्थ नंबर में, फोर्थ नंबर में कर्व्ड एरो इस तरह का एरो होगा। तो इट रिप्रेजेंट्स द माइग्रेशन ऑफ ए पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मतलब दो इलेक्ट्रॉन। इट रिप्रेजेंट्स द माइग्रेशन ऑफ ए पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मतलब कि ऐसे समझो कि जैसे हम लोग ए और बी लिखे हैं, ए और बी के बीच एक सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बना हुआ है। हम लोग जान रहे हैं कि इस एक बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन्स हैं, एक इलेक्ट्रॉन ए का, दूसरा इलेक्ट्रॉन बी का। यदि यहाँ हम लोग कुछ ऐसा एरो देते हैं ऐसा, तो इसका मतलब हुआ कि यह दोनों इलेक्ट्रॉन जाएगा किसको, बी को। तो ए पे हो जाएगा प्लस और बी पे यहाँ दो इलेक्ट्रॉन आकर के हो जाएगा माइनस,
इलेक्ट्रॉन कम ज़्यादा हो गया, इसका एक इलेक्ट्रॉन था तो अब तो नहीं बचा ना, इलेक्ट्रॉन कम हो गया दैट्स वाई प्लस, इसके पास एक ही था लेकिन अब दो आ गया बढ़ गया तो माइनस। ऐसा इसी को यदि हम ऐसे दिखाते, इसी को यदि हम ऐसे दिखाते, वापस इसको यहाँ कर देते तो शायद ही कुछ ऐसा हो जाना था। अब ए पे माइनस आ जाता, बी पे प्लस, किसी भी तरीके तरफ जो है इलेक्ट्रॉन जा सकता है, वो डिपेंड करता है दोनों एटम के नेचर पे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वगैरह पे, जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है उसके तरफ जनरली जाता है। या फिर हो सकता है कि ऐसा भी हो, ऐसा भी हो जो हम लोग पढ़ते हैं, मान के चलो CH2 डबल बॉन्ड CH, फिर यहाँ सी इसको कर दो ओ पे माइनस, ऐसे करो इसको, यहाँ डबल बॉन्ड कर दो, यहाँ सिंगल रहने दो, यहाँ कर दो प्लस, ऐसा कुछ हो। तो इसमें भी यदि हम इस तरह का एरो दिखा रहे हैं, इसको यहाँ कर रहे हैं, इसको यहाँ कर रहे हैं, तो इसका मतलब जब भी ऐसे कर्व्ड एरो होगा तो हमेशा याद रखेंगे कि यह दो इलेक्ट्रॉन के माइग्रेशन को दिखाता है, कि दो इलेक्ट्रॉन वहाँ से जो है इधर उधर शिफ्ट हो रहा है, हमेशा पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के माइग्रेशन को बतलाता है वह, ध्यान रखना इस बात को। तो क्या हो जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड CH, अब यहाँ डबल बॉन्ड O और H, ऐसा हो जाएगा। ये पूरा एरो दिया हुआ मतलब ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गए, पहले से याद रखोगे कि दो इलेक्ट्रॉन कहीं उठ करके जाएगा मतलब एक बॉन्ड बन जाएगा, और एक बॉन्ड उठ करके कहीं जाएगा इसका मतलब दो इलेक्ट्रॉन्स वहाँ आ जाएंगे, एक बॉन्ड और दो इलेक्ट्रॉन आपस में इक्विवेलेंट होते हैं, एक बॉन्ड और दो इलेक्ट्रॉन आपस में क्या होते हैं, इक्विवेलेंट होते हैं, क्योंकि एक बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन रहता है। तो समझ गए इस कर्व्ड एरो का मतलब। नेक्स्ट है इसमें फिश हुक एरो। तो फिश हुक एरो ऐसे दिखाते हैं, ऐसा। तो यह जो है बतलाता है माइग्रेशन ऑफ ए सिंगल इलेक्ट्रॉन, माइग्रेशन ऑफ ए सिंगल इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन के माइग्रेशन को, मतलब यही वाला चीज़ यदि हम लोग यहाँ ऐसे दिखाएंगे, ए और बी के बीच बॉन्ड है, दो इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ऐसा ये वाला एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा इसके तरफ, ये आ जाएगा इसके तरफ। एरो पे ध्यान दोगे, यहाँ देखो, यहाँ का एरो देखो, पूरा कर्व्ड एरो है, तो ये बताया कि यह दोनों इलेक्ट्रॉन जा रहा है बी पे, यहाँ बताया कि यह दोनों इलेक्ट्रॉन आ रहा है ए पे, लेकिन यहाँ यदि इस तरह से दिए हम, इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन जा रहा है बी के तरफ, एक इलेक्ट्रॉन आ रहा है ए के तरफ, इसका मतलब ये हुआ। तो यहाँ से इसको दिखाओगे तो ए के पास एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, बी के पास एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, ऐसा हो जाना है, समझ रहे हो। तो यह फिश हुक एरो, इसका फिश हुक एरो नाम क्यों पड़ा है, तो मछली फंसाने के लिए जो होता है जिसको बंसी हम लोग कहते हैं, देखते होगे जहाँ भी वाटर बॉडी है जहाँ लोग मछली फंसाते हैं छोटी छोटी मछलियों को, तो वहाँ ऐसा ही रहता है, एक बड़ा सा रहेगा कुछ डंडा वगैरह, उसमें सामने लोग लटकाते हैं कुछ जो एकदम ऐसा ही दिखता है, और क्या करते हैं कि यहाँ जो है कुछ मछली को लालच देने के लिए कुछ लगा दिया जाता है, अब मछली आएगी इसको खाने के लिए, तो एक्चुअली यहाँ इसी में ही रहता है, इसी में लगा हुआ, तो जैसे ही मछली इसको खाने आएगी तो उसका मुँह फंस जाएगा इसमें जो यहाँ निकला हुआ रहता है, फंस जाएगा तो फिर पता चल जाएगा अगला को कि थोड़ा वजनदार हो रहा है, मतलब कुछ मछली आके फंसी है यहाँ, इसके बाहर निकल जाएगा। तो फिश हुक नाम ही इसका, मछली को पकड़ने का जो हुक होता है, फिश हुक एरो। तो ऐसे कर्व्ड एरो है तो यह दो इलेक्ट्रॉन के माइग्रेशन को दिखाएगा, और यदि फिश हुक एरो है तो यह एक सिंगल इलेक्ट्रॉन के माइग्रेशन को दिखाएगा, ठीक है, इतना सा बात याद रखोगे। नेक्स्ट और भी है कुछ, और भी है कुछ, सिक्स नंबर में कर्ली एरो। कर्ली एरो बतलाएगा रेडिएशन को, लाइट रेडिएशन,
कोई भी रेडिएशन, जनरली लाइट रेडिएशन की, जैसे मान लो हम लोग ऐसे लिखते हैं कि ए है ऐसे ये बदल गया बी में, तो यदि इस तरह का चीज़ दिखाया जा रहा है इसका मतलब ये रेडिएशन को इंडिकेट कर रहा है, उससे एनर्जी अब्जॉर्ब हो रहा है इक्वल टू एच नी, जो हम लोग पढ़े प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी से रिलेटेड उसके बारे में बता रहा है। तो कर्ली एरो कहीं दिया हुआ है तो इसका मतलब यही हुआ कि वह कोई ना कोई रेडिएशन को इंडिकेट कर रहा है ऐसा। नेक्स्ट है इसमें रेट्रो सिंथेटिक एरो, रेट्रो सिंथेटिक एरो इसको ऐसे दिखाते हैं ऐसे, क्या इसका मतलब है जरा समझोगे। जैसे जनरली कोई रिएक्शन होता है तो H2 प्लस Cl2 ऐसे करके हम लोग 2HCl दिखाते हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ कि यह जो H2 और Cl2 है रिएक्टेंट है और ये प्रोडक्ट। लेकिन इसी चीज़ को यदि हम ऐसे दिखाएंगे 2HCl, तो इसका मतलब उल्टा हो गया कि ये रिएक्टेंट है और ये प्रोडक्ट, मतलब इसी चीज़ को सीधा करके लिखेंगे तो ऐसे होगा 2HCl से H2 प्लस Cl2। तो किसी भी रिएक्शन को उल्टा चलवाना हो, उल्टा प्रोडक्ट से रिएक्टेंट साइड, तब वहाँ जो है हम लोग इस रेट्रोसिंथेटिक एरो का इस्तेमाल करते हैं जो हमेशा प्रोडक्ट टू रिएक्टेंट की ओर बढ़ने की बात करता है। लिखाया गया ऐसा ही, लेकिन इसका मतलब समझना है कि इस केस में HCl रिएक्टेंट होगा और H2Cl2 प्रोडक्ट होंगे, मतलब ई इसमें बदलेगा उसके बारे में बता रहा है। बताए कि ए से हम ऐसा बी दिए तो कोई भी क्या सोचेगा कि ए बदल रहा है बी में, बी किससे बन रहा है ए से। लेकिन इसी को यदि हम ऐसे लिख दें ऐसे, तो इसका मतलब अब हो गया कि ए बन रहा है बी से, यहाँ बी बन रहा था ए से, और इसका मतलब हो गया कि अब यहाँ ए बन रहा है किससे बी से, उल्टा रेट्रोसिंथेटिक। तो खैर इस एरो का इस्तेमाल उतना ज़्यादा तो नहीं होगा, खास करके अभी जब इंटरमीडिएट के लिए हम लोग पढ़ेंगे तो उसका यूज बड़ा ही आगे पोस्ट ग्रेजुएशन में लोग पढ़ते हैं, MSc वगैरह वहाँ होता है जनरली। तो ये टोटल 6-7 तरह के एरो हुए, एक रिएक्शन एरो देखा हमने, डबल हेडेड एरो देखा, रेजोनेंस एरो, इक्विलिब्रियम एरो में कई केस देखे हमने, उसके बाद कर्व्ड एरो देखा, फिश हुक एरो, उसके बाद कर्ली एरो, और फिर आया रेट्रोसिंथेटिक एरो। तो ये अलग अलग एरो हैं जो पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप जब पढ़ोगे आगे तो कहीं ना कहीं आ ही जाएंगे। तो उन सारे एरो का मतलब जो है समझना है कि क्या है। अब यह जो चैप्टर है ना, मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस, इस चैप्टर को बेसिकली अब स्टार्ट किया जाएगा। इसके पहले जो हमने दो टॉपिक कराए इसमें, इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स और एरोमेटिसिटी, वो तो इस चैप्टर को पढ़ने के लिए बेस थे, हाँ इस चैप्टर को स्टार्ट करने के लिए वे स्तंभ थे, उसके बगैर इसको स्टार्ट नहीं किया जा सकता था। इसलिए पहले हमने इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट पढ़ा, फिर एरोमेटिसिटी बताया, उसके बाद यहाँ आए। तो एक्चुअल में ये चैप्टर अब शुरू होने वाला है, मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस। और है क्या भाई इस चैप्टर में, कहते किसको है, तो ए डिटेल्ड स्टेप बाय स्टेप डिस्क्रिप्शन, ए डिटेल्ड स्टेप बाय स्टेप डिस्क्रिप्शन ऑफ ए केमिकल रिएक्शन शोविंग एज टू हाउ the reactants, how the reactants are converted into products is called mechanism of that reaction। या डिटेल्ड स्टेप बाय स्टेप डिस्क्रिप्शन ऑफ ए केमिकल रिएक्शन शोइंग एज टू हाउ द रिएक्टेंट्स आर कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट्स इज कॉल्ड मैकेनिज्म ऑफ दैट रिएक्शन। इसको एग्जांपल से समझो, जैसे इंटरमीडिएट आप कर रहे हो, 10th पास करने के बाद सपोज मान लें कि 2022 में जो है आपने क्लास 11th में एडमिशन लिया,
एक साल 11th में पढ़ा, 2022 से 23 चला, उसके बाद फिर 23 से 24 12th चला। ठीक, 12th में एग्ज़ाम दिए, पास फेल जो करना था किए, रिजल्ट आया। लोग या खुद भी क्या सोचोगे कि 2022 में हम एडमिशन करवाए आईएससी में, 2024 में मेरा कंप्लीट हुआ विथ 80% मार्क्स। सो दिस इज द स्टार्टिंग एंड दिस वन इज द फाइनल, मतलब यू आर रिएक्टेंट, यू आर प्रोडक्ट। लेकिन इन दो सालों में आपने क्या किया, किस तरह से किया, किन परिस्थितियों में अपने आप को ढाला, तो यदि उस एकक दिन का हिसाब मांगा जाए कि कैसे कैसे आप पढ़े, किस तरह से आपने मेहनत की जो जाकर के उस रिजल्ट तक पहुंचे, तो हर एक दिन का यदि ब्यौरा दिया जाए तो वही कहलाएगा आपके लिए मैकेनिज्म। जनरली लोग मैकेनिज्म को इग्नोर करते हैं, मतलब कोई भी यही देखता है सेशन क्या है, 2022-24 है, 22 में एडमिशन लिए, 24 पे पास किए, ऐसे। लेकिन इन दो वर्षों में हमने क्या किया, कितनी मेहनत की हमने, उसका क्या परिणाम आया, इसका तो कोई चर्चा ही नहीं करता है। लेकिन सोचो कि बिना इस ब्यौरा का, इन दो साल में प्रत्येक दिन का जो मेहनत था, क्या उसको इग्नोर करके इस रिजल्ट को प्रेज करना ठीक है, खुद ही सोचो। हम लोग देखते हैं कि हाँ अगला पढ़ करके जो है साइंटिस्ट बन गया कुछ करके, आप रिजल्ट को डायरेक्ट देखें कि साइंटिस्ट बना रहे, भाई साइंटिस्ट बनने के लिए उस बंदे ने कितना मेहनत किया, किन परिस्थितियों से वह गुजरा, किन हालातों पे काबू पा करके वहाँ तक पहुँचा, इसको तो कोई जानना ही नहीं चाहता है। और कोई नहीं जानना चाहता तो सबको फिर यही लगता है, एक ही बात में सबको कहता है किस्मत है उसका वहाँ तक पहुँच गया। तो किस्मत है हम लोग तब कहते हैं ना जब उसकी परिस्थितियों को जान नहीं पाते या जानना नहीं चाहते हैं, समझना नहीं चाहते हैं। सच्चाई है तो कि एकदम तुमको पता होना चाहिए क्या है कि नहीं है। और सेम चीज़ रिएक्शन में है कि रिएक्शन में वी ओनली फोकस्ड ऑन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, वी टोटली इग्नोर द मैकेनिज्म कि हाउ द रिएक्टेंट्स आर कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट। लेकिन बताएं कि किसी भी चीज़ को समझने के लिए आप जब तक उसके बीच वाले चीज़ों को नहीं समझोगे, कभी भी उस चीज़ को ढंग से आप नहीं जान पाओगे क्या है कि नहीं है। तो वैसे ही है कि रिएक्शन में हम लोग खाली इतना जानते हैं कि रिएक्टेंट प्रोडक्ट में बदलता है, लेकिन भाई उसका स्टेप बाय स्टेप डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन विवरण जो बतलाता हो कि कैसे रिएक्टेंट प्रोडक्ट में बदला, तो वही जो विवरण है उसका कंप्लीट डिस्क्रिप्शन हुआ है किसी भी रिएक्शन का, एकदम स्टेप बाय स्टेप में जो बताता है कि कैसे कैसे रिएक्टेंट प्रोडक्ट में जो है कन्वर्ट हुआ, तो उस डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन को ही हम कहते हैं उस रिएक्शन के लिए मैकेनिज्म। कि हर एक दिन का ब्यौरा दिया जाए कि हाँ दो साल में जो हमने प्रत्येक दिन थोड़ा थोड़ा मेहनत बढ़ाया, थोड़ा थोड़ा अपना ये किया, तो उस हिसाब से जो है हम लोग पूरी बात को जान पाते हैं, ढंग से समझ पाते हैं उस इंसान को क्या कि उसकी सफलता के पीछे का राज क्या है। तो किसी भी चीज़ को समझने के लिए ना डिटेल में जाना ही पड़ता है, और नहीं मतलब है उन चीज़ों से तो डिटेल में जाने का कोई मतलब नहीं है। तो जब हम लोग ऑर्गेनिक रिएक्शंस पढ़ेंगे अब आगे, तो उसमें बस रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को फोकस करके चलते हैं लोग, लेकिन इतना तो याद ही रख लो कि हर एक ऑर्गेनिक रिएक्शन का, हर एक ऑर्गेनिक रिएक्शन का मैकेनिज्म है जो बताता है कि कैसे वह रिएक्टेंट का मॉलिक्यूल प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ। हर एक रिएक्शन की हम बात कर रहे हैं, यदि हजारों रिएक्शन पढ़ने हैं तो उन सभी रिएक्शन के जो है मैकेनिज्म है। पढ़ना नहीं चाहता है लोग क्योंकि मैकेनिज्म का मतलब ही डिटेल हो गया है, तो जिसको मतलब है वो तो डिटेल ही जानना चाहेगा, जिसको नहीं मतलब है वो डिटेल क्यों जानना चाहेगा। भाई जो लोग तुमसे जुड़े हुए हैं वो जानेंगे कि तुम कैसे दिन रात मेहनत किए हो वहाँ तक पहुँचे हो, और जो देखने वाले लोग हैं जिससे तुमको कोई मतलब ही नहीं है या अगला को तुमसे मतलब नहीं है, वो तो रिजल्ट को देखेगा कि पास कर गया, बड़ा नाम हो गया, ऐसा तुम्हारे स्ट्रगल को नहीं जानेगा। तो उसी प्रकार से जो लोग रिएक्शंस को समझना चाहते हैं वे मैकेनिज्म को जानेंगे, और जिनको नहीं मतलब है कि रट के कोई तरह से पास करना, उनको उनके लिए मैकेनिज्म कोई मायने रखता नहीं है, सिंपल सी बात है। तो यह इंट्रोड्यूस किया हमने भी मैकेनिज्म को, नेक्स्ट लेक्चर से जो है आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे इसमें। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।